नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में। दोस्तों, किसी भी तरह की बीमारी व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। उस पर भी यदि यह बीमारी कैंसर हो तो लोगों को भय से ही तोड़ देती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका खौफ विश्व के कोने कोने में देखने को मिलता है। समझदारी, सतर्कता, खान पान एवं सही दिनचर्या से इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है और यह कैसे होता है। शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर है। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। और कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। यदि समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो इससे पूरी तरह मुक्ति पाई जा सकती है। 19 सितंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में पुनः मनाने का निर्णय किया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस संबंध में उचित तरह से कार्यवाही नहीं की गई तो वर्ष 2020 तक कैंसर मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। भारत में यह रोग तेजी से व्यक्तियों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इस बीमारी से लड़ने का सबसे मजबूत तरीका इसके बारे में जागरूक होना है। यदि लोग कैंसर के बारे में जागरूक होंगे तो वे अपना समय समय पर चेकअप कराएंगे और इस तरह प्रारंभ से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि कैंसर के 100 से भी ज़्यादा रूप हैं जो व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेते हैं। लोगों में प्रमुख रूप से जो कैंसर देखने को मिलते हैं वे हैं ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पैनिक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, त्वचा कैंसर, थायराइड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर आदि। आप जानते हैं कि आखिर कैंसर किन किन कारणों से होता है। कैंसर वजन बढ़ने, मोटापा, अल्कोहल और नशीले पदार्थों का सेवन करने, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान का सेवन करने, भोजन में पौष्टिक आहार ना लेने और अपनी दिनचर्या में व्यायाम शामिल ना करने से होता है। यह आनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार कैंसर से पीड़ित माता पिता के जीन बच्चों में आ जाते हैं जिससे भविष्य में बच्चे को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी गंभीर बीमारी के कारण भी कैंसर हो सकता है। यदि व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और दवा ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट होने के कारण भी कई बार व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाता है। कैंसर के बारे में पर्याप्त जानकारी ही बचाव है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं मूत्र त्याग एवं शौच के समय खून आना, खून की कमी जिससे कि अनीमिया हो जाता है, थकान और कमजोरी महसूस करना, तेज बुखार आना और बुखार का ठीक ना होना, खांसी के दौरान खून का आना, लंबे समय तक कफ आना, कफ के साथ म्यूकस आना, ब्रेस्ट में गांठ होना, कुछ निगलने में दिक्कत होना, गले में किसी प्रकार की गांठ होना, शरीर के किसी भी भाग में गांठ या सूजन होना। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और पुरुषों में मौत लंग, स्टमक, लीवर, कोलेस्ट्रॉल और ब्रेन कैंसर से होती है। कैंसर से डर कर या घबरा कर इससे बचना बहुत मुश्किल है। इससे बचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है और सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हर स्वस्थ व्यक्ति को 6 महीने में एक बार अपने पूरे शरीर का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अनेक प्रसिद्ध हस्तियों ने कैंसर को मात दी है। इनमें हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जॉली, बॉलीवुड जगत से मनीषा कोइराला, लीजा रे, अनुभव सिन्हा एवं क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल हैं। कैंसर से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों को भी इस संदर्भ में सचेत करते रहना चाहिए। देश में प्रत्येक 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य ही यह है कि हर व्यक्ति इस बीमारी के बारे में जाने, समझे और इससे बचे। कैंसर से बचाव के लिए मैं फिर कहूंगी कि स्वस्थ जीवन शैली का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही व्यक्ति को खाने पीने में फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तंबाकू उत्पादों से दूर रहना चाहिए। आजकल तो हवा में फैला प्रदूषण भी व्यक्ति के शरीर को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण व्यक्ति के फेफड़ों और श्वास प्रक्रिया पर हमला करता है जिससे कि कैंसर हो सकता है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रख कर भी इस बहुत तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कैंसर के प्रति सचेत रहे। याद रखिए कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर उससे बचना है। बीमारी से बचाव व्यक्ति को न केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है।
तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर यह प्रण करें कि इससे खुद बचेंगे और लोगों को भी इससे बचने के लिए जागरूक करेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद।